कहना यह है कि जो हमारी मांग है सरकार हमारी मांग है पूरी कर दे, नहीं तो हमने पहले भी एक बार सरकार को झुकाया है, बॉर्डर पे बैठे थे 1.25 साल में सरकार को झुकाने का काम किया, अब फिर हमने धरना रख दिया है। हमारी मांग है जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमारा धरना चलेगा और सरकार को दोबारा झुकाने का काम करेंगे। देखिए जो एक अमरजीत मान है आई एस अफसर था, जो ये बीमा कंपनी के और किसानों के बीच में सरकार ने एक अधिकारी रखा था, इसके खिलाफ हमने आज रोष प्रदर्शन प्रकट किया है, क्योंकि जो हमारी सेंटर की जो हमारी कमेटी होती है उसके बीच में चढ़ा ही होता है और उन्होंने किसानों का पैसा रोक रखा है। तो रोष है इस बारे में? हाँ बिल्कुल रोष प्रकट किया और इसको दूध तो इमाड़ा पहनाई। क्या नाम है जी? भगत सिंह जी, गाँव से। धरना प्रदर्शन का क्या कहना चाहो, कौन सा दिन क्या है? देखिए कल 29 तारीख से धरना शुरू हुआ था और आज 30 तारीख है, आज दूसरा दिन है लगातार और धरने पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे ही लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारी बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा कंपनी प्रीमियम काटती है किसानों का, जिन किसानों की फसल खराब हो जाती है उसका तो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो प्रीमियम वापस कर देते हैं, और जिनकी फसल खराब नहीं होती है वो किसान का भी, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी बीमा कंपनी हजम कर जाती हैं। एक ये बड़ा स्कैंडल है, हम तो कहते हैं कि इसकी तो निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला होगा। तो आज क्या किया है? आज ये किया गया, जो अमरजीत मान साहब हैं रिटायर्ड IAS हैं, जो सरकार ने किसानों के वकील बना के वहाँ बैठा रखे हैं कि भाई किसान के साथ कोई अन्याय ना हो, लेकिन ये किसान के का वकील बनने की बजाय ये बीमा कंपनी का वकील बन के उनसे घूस लेके किसानों को बर्बाद करने में तुला हुआ है। आज रोष स्वरूप किसानों ने इसको जूतों की माला पहनाई है और ये भी निर्णय लिया गया है SDM कार्यालय में और या कोर्ट में, जो भी किसान मजदूर कमेरा वर्ग का लोग आएगा रोजाना इसको 5 जूते लगा के यहाँ से आगे निकलेगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। 2022 की खरीफ की बात करें 31 जुलाई तक लास्ट होती है और 60 दिन का समय कंपनी के पास होता है, वो रिजेक्ट करे पास करे, लेकिन 7-8 महीने के बाद कंपनी ने, जब क्रॉप कटिंग हुई फसल बर्बाद हो गई उसके बाद कंपनी ने किंतु परंतु की, जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई उसका किसानों का प्रीमियम भी हजम करके कंपनी, और हरियाणा सरकार से भी हजम करगी और केंद्र सरकार से भी हजम करगी, जिनकी फसल खराब होगी उनका किंतु परंतु किया और आज 2 साल के बाद में जो किसानों का प्रीमियम था वो वापिस कर दिया। जब इसका विवाद हुआ तो स्टेट में 2 कमेटी होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी वो फैसला किसान के हक में आ गया, वो स्टेट लेवल की कमेटी में चला गया, उसने 1 महीने में निर्णय करना होता है। जो ये मान साहब हैं जिसको जूते लगाए हैं ये सारी उसको देखता है, कंपनी से घुस ली है, भारी पैसा लिया कंपनी से, कंपनी उसको दबाए बैठा है। हमारी मांग है कि तुरंत किसानों का ये पैसा दिलवाया जाए और रिटायर्ड अधिकारी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो और बीमा कंपनी में भी दर्ज हो और ब्याज समेत हमारे किसानों को पैसा दिला नहीं मिलेगा। इसके लिए दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर हमें ज्यादा परेशान किया सरकार ने, जल्दी नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, रास्ता रोक भी रोकेंगे और सरकार की पूरी कार्रवाई, तहसील को भी ताड़ा लगाएंगे। बिल्कुल, और भी किसान पहुंचे हैं। किसान जी क्या कहना चाहोगे आज, यहाँ जूते भी लगाए हैं? ये किसान कौम का गद्दार है, किसानों के प्रीमियम पर मुआवजे के ऊपर गिंडली मिंडली मार के बैठा है, किसानों की कोई पैरवी नहीं करता, किसानों का दुश्मन है और इसके खिलाफ भी हम गेट का ताला लगाओगे। कब लगाओगे भाई? रोज किसान पर जा रहे हैं, जागरूक होने लग रहे हैं, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा आंदोलन चलेगा, आंदोलन की रूपरेखा आगे से जैसे प्रधान जी, सत्यवान जी, हमारे गुरनाम जी हैं, जैसे भी आदेश होंगे उसके हिसाब से चलता रहेगा। आगे की जो भी कॉल होगी वो आपको बता दी जाएगी और जिस दिन बड़ी कॉल होगी वो भी आपको बता दी जाएगी, जिस दिन रोड जाम करने की नौबत आई वो भी करेंगे, रेल रोकने की बात आओगी वो रेल भी रोकेंगे, हम अपना पैसा लेकर रहेंगे जो हमारे हक की लड़ाई है जी।